तो दोस्तों हम HTML की प्लेलिस्ट में हमने हेड टैग और बॉडी टैग के बारे में देख लिया था। इस वीडियो में हम इस उसके बारे में ही थोड़ा आगे कंटिन्यू करने वाले हैं डिस्कशन को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। ये हमारा स्टार्टर टेम्पलेट होता है, ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है VS कोड। अगर ये एक्सटेंशन आपके VS कोड में काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सर्च करना डायरेक्ट एमेट, EEMET एमेट, और इसमें आप नीचे आओगे यहाँ पे तो ये जो चेक बॉक्स है इसको चेक कर लेना। सो सजेशन और ये जितने भी चेक बॉक्स है एच स्निपेट्स ये वाला और ये वाले, ये इन चेक बॉक्स को आप अगर चेक कर लोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सजेशंस मिलने लग जाएंगे और ये बॉयलर प्लेट आपका ऑटोमेटिक जनरेट होकर आने लग जाएगा जैसे ही आप ये सिंबल यूज करोगे। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में थोड़ा सा इस मेटा टैग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करने वाले हैं। मतलब ज्यादा डिटेल में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ये सब चीजें इन डेप्थ में हमारे काम की नहीं होती है। जैसे कि ये बस मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि ये मेटा टैग क्या करते हैं। और ये एक्चुअली वेबसाइट का मेटा डाटा होता है कि जहाँ पे जो हमारा वेबसाइट होता है उसका उसके बारे में डिटेल होती है कि ये कौन से केयर सेट में लिखी हुई है। तो हमने यहाँ पे केयर सेट UTF-8 यूज किया हुआ है। उसके अलावा ये कंटेंट व्यू पोर्ट, ये क्या काम आता है दोस्तों, ये लाइन हम इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि जो भी हमारा डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उस डिवाइस के अकॉर्डिंग ये वेबसाइट हमारी सेट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्राउजर की विड्थ के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा एक दो टैग और होते हैं जो हम यहाँ पे यूज में लेते हैं मेटा टैग में, जैसे कि SEO के रिलेटेड टैग होते हैं। SEO क्या होता है दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी कि हमारी वेबसाइट जो गूगल पे रैंकिंग करेगी वो किस अकॉर्डिंग करेगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे मेटा टैग के अंदर डालते हैं। यानी कि वेबसाइट का हमारा जो भी कंटेंट होता है, कंटेंट टाइप होता है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट बेटर रैंक करती है यहाँ पे इसके गूगल के इंडेक्स में। तो हम जैसे ही यहाँ पे SEO लिख के सर्च किया, SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसे कि ये वेबसाइट है तो ये सबसे ऊपर क्यों शो हो रही है, क्यों शो हो रही है गूगल में, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसे टैग इन्होंने मेटा के अंदर यूज किए हुए हैं, कुछ ऐसी लाइन ऑफ कोड यहाँ पे मेटा में टैग किए हुए हैं जिससे कि इनका वेबसाइट जो है बेटर इंडेक्स हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस वेबसाइट के कोड को अगर देखें, यहाँ पे आप इंस्पेक्ट या फिर व्यू सोर्स में जाके इस वेबसाइट का कोड देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेटा टैग डाल रखे हैं, इसमें मेटा टैग के अंदर ये सब चीजें इन्होंने लिखी हुई है, मेटा नेम, गूगल साइट वेरिफिकेशन, कंटेंट, ये सब चीजें लिखने से क्या होता है कि हमारी साइट जो है गूगल पे गूगल ऑटोमेटिक इंडेक्स कर देता है उसको। ठीक है, तो ये चीजें होती है। उसके अलावा हेड टैग के अंदर हमारा ये होता है टाइटल टैग होता है। टाइटल क्या करता है, जो हमने वेबसाइट बनाई है डॉक्यूमेंट ये उसका जो ऊपर नाम आता है ये टाइटल टैग से आता है। ठीक है, उसके अलावा जो हम एक्सटर्नल CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल हम यहाँ पे लिंक करते हैं वो भी हम यहाँ पे हेड टैग के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हम HREF लिख के हमारा जो फाइल का डेस्टिनेशन है CSS फाइल का डेस्टिनेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये CSS फाइल यूज कर रखी है, हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर रखी है, मान लो ये भी CSS फाइल है bootstrap.css। तो हम यहाँ से इसका पाथ कॉपी करेंगे और उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, लिंक के अंदर तो क्या होगा दोस्तों, ये जो फाइल है हमारी CSS फाइल है वो यहाँ पे हमारी इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे स्टाइलिंग वगैरह हमारे वेबसाइट में शो होने लग जाएगी। फिर आपको बता दिया था मैंने पिछले वीडियो में कि जो भी हम अपना कोड लिखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं,
यहाँ से हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियोस में, और इस वीडियो में यहीं तक था। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।